कचरा भी बेटर लगेगा इस वेब सीरीज के आगे। एक हम है जहाँ कंगाली में आटा गीला है, और एक इस वेब सीरीज के मेकर्स जो रुपए बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेब सीरीज शी के बारे में। वैसे बात करने को है भी क्या इसमें, अरे खैर जो भी है। कभी कभी किसी मूवी का रिव्यू करना, किसी वेब सीरीज का रिव्यू करना सच में इतना ज़्यादा सरदर्द कर देता है कि जिसे सहा नहीं जा सकता, वो बर्दाश्त नहीं हो पाता। ऐसी ये सीरीज है शी वेब सीरीज, जिसके अंदर टोटल 7 एपिसोड हैं और इसको डायरेक्ट किया है आरिफ अली ने, अविनाश दास ने, और इस वाहियात कहानी के लेखक यानी राइटर हैं इम्तियाज अली। ये वही इंसान है जिसने थोड़े टाइम पहले लव आजकल का रीमेक बनाकर, जब उनसे पूछा गया था कि क्यों बनाया है, तो कहा था कि मेरी नज़र में कि प्यार की डेफिनेशन बदल गई है। लोग अपनी पता नहीं कौन सी इमेजिनेशन में रहते हैं, कौन सी क्या सोच के वो बनाते रहते हैं। ऐसी जो वो कचरा वो पहले आई थी, उससे भी कचरे को भी हद पार करने वाली ये सीरीज़ है। इसमें कास्ट है अदिति, पोंकर, विजय वर्मा, विश्वास, किनी और किशोर और बाकी अन्य कलाकार। इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छी बात है, वो है एक्टिंग, और वो भी एक ही इंसान की, विजय वर्मा की, जिन्होंने प्ले किया है एक शश्य नाम का जो एक ड्रग डीलर होता है उसका किरदार। अब कहानी की बात करें, जब मैंने इस सीरीज़ के सारे एपिसोड देखे तो कहानी इसकी कंक्लूज़न निकालने बैठा कि इसका कहानी का कंक्लूज़न क्या निकला, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसकी कहानी है ही क्या आखिर। तो मैंने क्या किया कि जो इसकी नेटफ्लिक्स का एक पेज है वहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था स्टोरी लाइन की, भाई क्या है इसके अंदर, कैसे क्या दिखाया जा रहा है। तो वहाँ लिखा हुआ था कि वहाँ एक अंडरकवर मिशन जो है वो चलाया जाएगा ड्रग डीलर्स को बाहर लाने के लिए, उनको एक्सपोज करने के लिए। और इस मिशन में एक भूमि नाम की एक लड़की, जिसे प्ले किया अदिति पोंकर ने, तो वो एक डरपोक मुंबई कांस्टेबल है। तो अपने आप को वो इस मिशन के जरिए अपने आप को सशक्त कर पाती है, अपने आप को स्ट्रोंग कर पाती है। और कैसे स्ट्रोंग कर पाती है, उसे पता चलता है कि जो उसकी जो सेक्स पावर है वो उसका एक हथियार है। सिंपल, साफ, सरल शब्दों में भूमि को पता चलता है कि वो अपनी पावर का यूज़ करके किसी भी मर्द को लुभा सकती है, यानी जिससे वो अपने आप को स्ट्रोंग बना सकती है। सोच देख रहे हो तुम राइटर्स की किस लेवल की है, कतई सस्ता नशा फूंक कर बैठे हैं ये लोग। अब मैं विस्तार से इसकी कहानी बताना चाहता हूँ कि भूमि को अपनी पावर का एहसास कैसे होता है। तो भूमि एक बिल्कुल सिंपल लड़की दिखाई गई है शुरू में, और उसका रूटीन जो होता है वो पुलिस स्टेशन से घर, घर से पुलिस स्टेशन, यही इसका रूटीन चलता है। और जब वो पुलिस स्टेशन जाती है तो एक बैंगन सी शक्ल वाला आदमी उसको कहता है कि भूमि में तो, भूमि तो लड़की है ही नहीं, वो मर्द है, क्योंकि उसमें किसी भी मर्द को अट्रैक्ट करने की पावर नहीं है। तो भूमि की शादी हो चुकी है, अब उसका पति जो है वो उससे तलाक लेना चाहता है क्योंकि वो सेक्सी नहीं है। अब तक भूमि को उसकी पावर का पता नहीं चला है, तो भूमि अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि एक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर फर्नांडिस जो है, जिसे फर्नांडिस है उसका नाम, तो वो भूमि को एक दिन कहीं देख लेता है, और देखकर उसे लगता है कि हाँ यही वो लड़की है जो आगे मिशन कर सकती है। तो उसने पता नहीं कहीं किसी रोज़ देखा हुआ होता है, तो ऐसे वो बुलाता है भूमि को क्राइम ब्रांच ऑफिस में, और फिर वहाँ से एक मिशन की शुरुआत करते हैं। वो कहता है कि एक शश्य नाम को, एक शश्य नाम के एक आदमी को पकड़ना है जो एक ड्रग डीलर है, और वो कैसे पकड़ना है। अब वो उसे वेश्या बनाकर उसके पास भेजता है और उसको पकड़ने की एक प्लानिंग बनाता है। अबे किसने बनाया इसको ऑफिसर, और फिर इसे बाकायदा वो ट्रेनिंग भी देता है वेश्या बनने की, और फिर लास्ट में मिशन वो कंडक्ट करवाते हैं बिना तैयारी के, कोई तैयारी तूरी नहीं होती। खैर जैसे तैसे ये शश्या को पकड़ पाते हैं, और फिर शश्या की मदद से उसके बॉस नायक का पता लगवाते हैं, और फिर वो नायक को पकड़ने के पीछे भागता है ये ऑफिसर। और अब फिर से ये भूमि को वेश्या बना के नायक के पास फिर भेजता है, लेकिन अब भूमि को आने लगा है मज़ा, क्योंकि अब उसको उसकी पावर का पता चल गया है, और वो अपनी पावर का हर जगह यूज़ कर रही है। जो लड़का उसको रास्ते में दिखा तो वहाँ अपनी पावर का यूज़ कर दिया, वेटर दिखा तो उसके ऊपर अपनी पावर का यूज़ कर दिया, बाहर अगर उसको चोल में अपनी बहन का बॉयफ्रेंड दिखा तो उस पर अपनी पावर का यूज़ कर दिया। अब वो अपनी पावर का यूज़ कर रही है, अब उसे पुलिस में मज़ा नहीं आ रहा। अब ऐसे चूहे ऑफिसर भरोगे तो कौन
कौन वहाँ जॉब करना चाहेगा। और लास्ट में भूमि नायक से मिल जाती है, और यह एक औरत की सशक्तिकरण, उसका एम्पावरमेंट इसे कहते हैं, ये होती है स्टोरी। इस सीरीज़ को देखकर मैंने एक ही चीज़ सीखी कि अपने आप को टॉर्चर कैसे किया जाता है। इतनी वाहियात कहानी, इतनी वाहियात सोच, समझ नहीं आ रहा कि इसके मेकर्स बताना क्या चाहते थे। कि यही बताना चाहते थे कि औरत को अपनी सशक्तिकरण, अपने आप को एम्पावर करना है तो उसको अपने अंदर की सेक्स पावर को जगाना होगा और उसका यूज़ करना होगा, कि ये वो बतलाना चाहते थे। साफ और सिंपल शब्दों में एक ही बात कहूँगा कि ये सीरीज़ देखने तो कि बहुत दूर की बात है, थूकने के लायक भी नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट इसके ऊपर बिल्कुल भी ना करें। और अब रही स्टार्स देने की बात, बाजड़ी के। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।